जापान ने चोर पकड़ने की मशीन बनाई, 1 घंटे में 1,000 चोर पकड़े। अमेरिका ने भी मशीन बनाती, 1 घंटे में 3,000 चोर पकड़े। पाकिस्तान ने भी मशीन बनाई, 1 घंटे में 4,000 चोर पकड़े। एवं हमारे भारत वालों ने सोचा हम भी मशीन बनावेंगे। उन्होंने मशीन बनाई, 1 घंटे में मेरे ससुर की मशीन चोरी होगी। भाई कैसा मकान किराए पे दिया आपने हमें? बारिश के मौसम में इतना इतना पानी भर जाता है, हम जितनी मुर्गियां पालते हैं सारी मुर्गियां डूब जाती हैं हमारी। अरे तो मुर्गियां पाल क्यों रहे हो? मौसम के हिसाब से चलो, बत्तखें पालो। भाई कैसा जिस हिसाब से लोगों की ठुकाई चल रही है, मुझे तो लगता है सैनिटाइजर के बाद झंडू बाम की भी किल्लत आने वाली है। अबे कहां जा रहे हो, कहां जा रहे हो? अबे यार तुम्हारी भाभी से कहा था चांद तारे तोड़ के लाएंगे, वही तोड़ने जा रहे हैं। दिन में जा रहे हो? अबे पहुंचते पहुंचते रात हो जाएगी यार। भाई साहब एक परमानेंट वाला कलर दो। कौन सा रंग का चाहिए? काला। काला? अबे काला कौन सी दीवार में पोतोगे? दीवार में नहीं पोतेंगे, मुंह पे पोतेंगे। मुंह पे पोतोगे? किसके मुंह पे पोतोगे? अपने भैया के मुंह पे पोतेंगे, और कहो तो तुम्हारे मुंह पे भी पोत देंगे। अरे हमारे मुंह पे नहीं यार, तुम्हें जिसके मुंह पे पोतना हो पोत देना। लेकिन ये बताओ क्या दुश्मनी होगी यार ऐसे अपनी भैया से? दुश्मनी नहीं है, देखो एक बात ये बताए, हमारे दिल पे जो गुजर रही है ना तुम नहीं समझ पाओगे। हम हो गए 30 साल के, तो इस साल 15 रिश्ते आए थे हमें देखने के लिए, शादी के लिए। और जब भी रिश्ते वाले आते हैं, हमारा छोटा भैया आके बगल में बैठ जाता है, ई करने लगता है, तो उसे पसंद करके चले जाते हैं। साला बहुत ही गोरा है। तो अब क्या हम जिंदगी भर कुंवारे बैठे रहें क्या? अरे नहीं 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 नहीं, इस बार हमने बनाया है प्लान। होली के बहाने पोत देंगे रंग, और वो भी काला, छूटेगा नहीं अगली होली तक। क्या तो हमें रंग दो, लो ये पैसे लो। अरे ज्यादा मत पोतना, ये ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाएगा वो। अरे ब्लैक होल तो छोड़ो। और भाई कैसा है? अबे आग लगे चाहे बस्ती में, बाबा तो रहते मस्ती में। यार एक काम था। हाँ तो फिर काम निपटा ले, बाद में बात करेंगे। एक बात बता, ये छिपकली दीवार पे क्यों चलती है? हाँ? तेरी बुद्धि खराब है क्या? हाँ? हम जमीन पर चलते हैं, आज तक छिपकली ने हमसे आके पूछा? हाँ? पूछा हमसे आके? इसे ना दूसरों के काम में उंगली करने की बहुत आदत है। भाई तूने बोला था तेरी गर्लफ्रेंड का नाम परी है। हाँ भाई परी है। तो फिर साले मैंने उसको छत से धक्का मारा तो वो उड़ी क्यों नहीं? अरे जुमका गिरा रे, एक चाय। ठीक है साहब, लो साहब। कि करेली के बाजार में, अरे झुमका गिरा। हाँ भैया क्या यार ये चाहिए? क्या हो गया? अरे यार कल वाली चाय और इसमें तो बहुत अंतर है यार, कल वाली अच्छी थी यार। दादा भगवान से डरो, ये कल की ही चाहिए। आगे कुआ पीछे खाई, वाह वाह वाह। आगे कुआ पीछे खाई, आगे बाहर कोरोना भीतर लुगाई। ये शाहरुख खान साइन कर गया? हाँ कर दी उसने। सलमान खान गए? ये वो अंगूठे लगाता है यार। अरे वो कादर खान? वो भी अंगूठे लगाता है। चलो वकील साहब आ गए, इनके पास करवा लो। वकील साहब नमस्ते। आइए आइए आइए, ये लो यहाँ पे साइन कर दो। अरे मुझे साइन करना थोड़ी आता है यार, मैं तो अंगूठा लगा दूंगा। जानवर काय का वकील तू? अरे तो मैं वकील थोड़ी हूँ यार, मेरा नाम वकील है। शिवम भाई यहाँ पे क्यों बैठे हो? यार भाई घर वाले गेहूँ कटाएंगे यार। भाई तुझे पता है जिस बार में मैं जाता हूँ ना उसके सामने एक तालाब है। कल ना बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी और मैं बाहर जा रहा था, तालाब के सामने एक अंकल बैठे थे छड़ी लेकर। तो मैंने उनसे पूछा, अंकल इतनी बारिश हो रही है आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? भाई फिर अंकल ने क्या बोला? भाई अंकल बोले, बेटा मैं तो मछली पकड़ रहा हूँ। तो मैंने उनसे कहा, अंकल आपका दिमाग खराब है और इतनी बारिश हो रही है बीमार हो जाओगे, चलो चलो मेरे साथ बाहर चलो। भाई उसके बाद? भाई फिर मैंने उनको थोड़ी सी विस्की पिलाई, 2 पैग मैंने लगाए, 2 उन्होंने लगाए, माहौल से बन गया। फिर मैंने उनसे पूछा, और अंकल आज सुबह से कितनी मछलियां फंसी? भाई फिर अंकल जी ने क्या जवाब दिया? भाई अंकल बोले, तुम 8वीं मछली हो बेटा। जोर का झटका। ये आंखें उन आरामखोरों को ढूंढ रही है जिन्होंने 2020 की हार्दिक शुभकामनाएं दी थी। सालों तुम्हारी वजह से आज जान के लाले पड़े हुए हैं। मेरे पैसे दे रहे? कौन से वाले? जो उस दिन उधार लिए थे। दे रहा हूँ रुक।
भाई पैसे दे वो अभी। शांति से बात करो। बुला शांति को, किधर है, मुझे मेरे पैसे चाहिए। बे भाई सीधा सीधा बता दे कहाँ को आना। ओ भाई यो लक्सर कितने किलोमीटर दूर है? एक मिनट रुको जी, बस अभी आ लिया। आठ किलोमीटर जी पूरा। अच्छा चल वो तो ठीक है। और तू गया था कहाँ? नापण गया था। बड़े भाई अगर रात में मच्छर काट देवे तो क्या करो जज जी? अरे खोजा के चुपचाप सो जाओ जज जी, अब तुम राजी नहीं कान तो आओ नो के मच्छर से सॉरी बोलो आ लू। फालतू की बकवास कर वे हजार। खुशी के माहौल में मौत का पैगाम आ रहा है। जो कहते थे गांव में क्या रखा है, आज उन्हें गांव याद आ रहा है। 12 घंटे इंसान का शरीर ना मिले तो कोरोना मर सकता है, तो जनता कर्फ्यू सही डिसीजन है। 12 घंटे के बजाय 24 घंटे घर से बाहर मत निकलो। भूखा मार दो साले को इस कोरोना को। भाई अगर मैं मर गया तो तू क्या करेगा? तेरी गर्लफ्रेंड पर कब्जा। दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम की। दे दे भाई 5 रुपए की। अच्छा जी दे रहा। ला पैसे दिए। ले पैसे पकड़ भाई। ले भाई पैसे 500 रुपए। हाँ 500। इसमें तो काट भाई। अरे भाई इतना बड़ा नोट कहाँ दे रहे यार। भाई यार वही दे देना 10 का। मैं यार तू ही उसने ले आ। ले भाई इब भी तो दिया 10 का पहले दे देते अगर। अरे मगा कभी तू हल्के में ले रहा हो। दोस्तों मुझे और मेरे परिवार को यह बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि भगवान की कृपा से और आप लोगों की दुआ से आज मेरे यहाँ पे दोपहर को 1:30 बजे एक सुंदर और सुशील समथिंग 3.5 किलो का तरबूज लाया गया। तो आप लोगों से अनुरोध है कि दुआ कीजिए कि वो मीठा निकले। ये टीवी कितने की? 50,000 रुपए की है भाई। 50,000 रुपए की? यार इसमें ऐसे क्या खासियत है जो 50,000 रुपए की दे रहे हो? इसकी ये खासियत है कि ये लाइट बंद होने के बाद ऑटोमेटिक बंद हो जाती है। अरे पैक कर दो यार। सुर तुम्हें पता शादी के बाद घूंघट करना पड़ेगा? यार मैं नहीं करूंगी। साल भर मुंह पर कपड़ा बांधने वाली लड़कियों को शादी के बाद थोड़ा सा घूंघट करने में क्या दिक्कत है? अब तो सब न्यू बोले हैं 4 जने इकट्ठे मत हो, कहीं मत जाओ, घर में दुब के रहो। पर जब 21 दिन के बाद नाई अपनी दुकान खोलेगा तब उस दिन क्या होगा? सूरज जरूरी है कि चांद? चांद जरूरी है। काय चांद रात में उजियारो देत। सूरज का करत? सूरज भी उजियारो देत है, मन वो पगला दिन में उजियारो देत। दिन में उजियारो की क्या जरूरत? भाई वो मकान दिख रहा है तेरे को? हाँ भाई बहुत अच्छा मकान है, बहुत मेहनत से बनाया मैंने उसे। तो तेरा बहुत खर्चा हो गया होगा भाई। काहे का खर्चा, मैंने तो उल्टा पैसा कमाया है। वो कैसे? मैं वहाँ पर कमठा मजदूर था यार। भाई प्रधान का घर कहाँ? मेरी बहू भाग गई थी रात। भाई प्रधान का घर बता दे। मोहल्ले के साथ ही भाग गई थी। भाई प्रधान भाई किस तो पूछ रहा है, यो तो बहरा। क्या कह रहा? तेरी तो मेरे तभी पहला भाग गई थी। भाई शादी के अगले दिन एक दूल्हा उस ब्यूटी पार्लर में गया जहाँ से उसकी बीवी ने शादी से पहले मेकअप करवाया था। भाई फिर उसने उस पार्लर वाली को एक आईफोन 11 गिफ्ट किया और थैंक यू बोलकर चलाया। भाई फिर क्या हुआ? भाई वो पार्लर वाली इतना खुश हो गई, उसने खुशी खुशी में जैसी डब्बा खोला उसके अंदर से एक नोकिया 3310 और एक चिट्ठी निकली। भाई क्या लिखा था उस चिट्ठी में? भाई उस चिट्ठी में लिखा था फीलिंग सेम। मुझे ठुकराने वाली आज फिर भंडारे में आई थी और मैंने इस बार भी उसे रायता नहीं दिया। क्यों भाई? ये बताओ कि तुम्हारे बगल में जो मनोजवा बैठा हुआ है वो क्या है, पुल्लिंग कि स्त्रीलिंग? ये सर ये तो 100% पुल्लिंग है सर, हम तो इसका नुन्नी भी देखे हुए हैं। मान ले ये तेरी गर्लफ्रेंड है, अबे मैंने तो मानने के लिए बोला था, ये तो लेके चला गया। ओए मेरी गर्लफ्रेंड। हेलो भाइयों बहनों, आइए हम सब मिलकर
देश को स्वच्छ बनाते हैं। स्वच्छ बनाने के लिए गुटखा छोड़ना पड़ेगा, तब ऐसे ही चलने दीजिए। एक्सक्यूज मी, हाँ यार, आप पानी पीते हो तो जो लिपस्टिक है इससे रूह अफ़ज़ा तो नहीं बनता?